हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 18th ऑफ मार्च और हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। तो देखिएगा, येस बैंक में आज भी जो क्लोजिंग देखने के लिए न्यूज से सीधे सीधे पता चलता है कि 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का जो लेवल था उसको इसने बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। आप देखिएगा, यही संकेत है तेजी का। दूसरी चीज है, देखिएगा ये जो डिप आपको दे रहा है, जो कि इसने 241.80 यानी कि 5.20 की जो ओपनिंग से इसने अपना डेप दिखाई, वहां पे देखिए कहीं ना कहीं आपको उस डिप में बाइंग करना चाहिए था। तो देखिए, ये एक सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये अगली बार फिर जब भागेगा तो बहुत तेजी से भागेगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी प्रीवियस क्लोजिंग की, जो 245.05 थी। उसके बाद देखिए ओपनिंग 247 के लगभग। अब ये थी 1.95 रुपए, देखिएगा इसकी ओपनिंग ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका बेसिस पॉजिटिव था। 248.55 इसका हाई लगा, ये 1.55 रुपए के लगभग ऊपर गया। वहीं देखिएगा जो इसने लो लगाया था 241.80, ओपनिंग से देखिएगा ये रहा 5.20 रुपए के लगभग नीचे। वहीं क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, क्लोजिंग है 245.95। तो इसको कंपेयर करेंगे इसकी प्रीवियस क्लोजिंग से, इससे पता चलेगा कि तकरीबन 90 पैसे आज हम पिछली क्लोजिंग से ऊपर की तरफ क्लोज हुए, जो काफी पॉजिटिव है। वही देखिएगा 3000 के लगभग इसमें बाइंग क्वांटिटीज लगी हुई है। वही बात करेंगे जो आज इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 2.48 करोड़ के लगभग जो इसके अंदर डिलीवरी हुई है वो 47 लैक्स के लगभग है। वही बात करेंगे 19.14% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, आप टेक्निकल चार्ट्स पे लगाम मारते हैं। तो देखिए आज के दिन का आपके सामने कैंडल यहाँ पर है। देखिए हमारी जो कैंडल 15 मिनट में बनी थी वो तकरीबन पहले इसकी पिवोट लाइन जो 247.12 के लगभग है उसको देखिएगा ऊपर की कट तरफ काट के गई। उसके बाद देखिएगा हम तकरीबन पहली कैंडल इससे नीचे ही बनी, फिर देखिए अगली कैंडल ने फिर इसको 247.12 के लगभग जो हमारा पिवोट पॉइंट है उसको देखिएगा फिर से काटने की कोशिश की। तो देखिए हम फिर नीचे ही गए, और तकरीबन हम नीचे जाने के साथ जो हमारा नीचे सपोर्ट था 241.43 उससे देखिए कहीं ना कहीं ऊपर यहीं कहीं हमें सपोर्ट मिला। उसके बाद देखिए हम ऊपर गए और हमने हालांकि कहीं ना कहीं अभी क्लोजिंग जो है पिवोट लाइन से नीचे की तरफ ही दिखाई। आप देखिएगा ये जो हमारी क्लोजिंग है इसको आप देखिएगा जिस तरीके की, अगर मैं आपको सीधे सीधे चीज बताऊं तो इसमें देखिए आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, ये जहां से लगभग शुरू हुआ था वो देखिएगा, और देखिएगा इसकी जो आप देखेंगे क्लोजिंग, तो देखिए पूरा फेक ट्रेड है एक तरीके का, ये एक फेक ट्रेड बोलते हैं इसको। जितना नीचे गिरा लगभग उतना ही ऊपर ये आ गया, तो इतना देखिए फेक ट्रेड हुआ है, पहले नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो मतलब प्लस माइनस हो गया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा इसको फिबोनाची पे अगर हम देखें तो देखिए आप फिबोनाची पे जो लेवल मैंने लिए हैं वो देखिएगा, वो जो इसने लो बनाया था 168 का, उसने जो हाई लगाया है इसने 254 के लगभग, तो देखिए हल्का सा नीचे आई है। अब देखिएगा इसका जो मजबूती है मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए डिफरेंट जगह से बाइंग आई है, पहले यहाँ से आई है, फिर देखिएगा इस लेवल से बाइंग आई है, तो देखिए ये नीचे नहीं आएगा इतना। अगर देखिए जो लेवल फिबोनाची पे दिखाई पड़ रहा है वो 221 के लगभग है, इसे मैंने आपके दिखाने मात्र के लिए दिखाया है, क्योंकि देखिएगा फिबोनाची को देखना बहुत जरूरी रहता है। हालांकि आप देखिए धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ा है, इसलिए इसके नीचे आने के चांसेस बिल्कुल जीरो के लगभग ही है। वही बात करेंगे देखिएगा आगे, तो देखिए अगर हम बात करते हैं RSI की, तो देखिएगा RSI को अगर हम देखें तो देखिए इसकी जो बाइंग है, देखिए फिर से यहाँ पे 70 के ऊपर लेवल पे चला गया था। अब देखिए हल्का सा कर्व फिर से ये घुमा है और इसकी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है 68.83। तो देखिएगा धीरे धीरे करके लोग बाइंग करते हैं इसमें और स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहते हैं, इसी से आपको एक्चुअल कंडीशन के बारे में पता चलता है कि किस तरीके की कंडीशन इसमें चल रही है। देखिए कर्व फिर से ऊपर की तरफ मुड़ा है, अभी जैसे 70 के ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, तो देखिए ये चीज चलती रहेगी, इससे आप बिल्कुल घबराइएगा मत। आप देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं, आप देखिए यही लेवल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल, जो ये रेड वाली लाइन है जो की 244.80 के लगभग है। देखिए आज की कैंडल भी देखिएगा वन डे की जो है वो देखिएगा इस लाइन से देखिएगा ऊपर की तरफ है, ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो देखिए ये हम ऊपर क्लोज हुए इससे, तो इसी चीज से आप लगा सकते हैं कि ये जो लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ये सीधे सीधे हमें बता रहा है तेजी के संकेत, कि तेजी के संकेत है इसमें। अभी भी अगर आप खरीद के कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ऊपर है 250 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, जिसको ये एक बार टच कर चुका है, ठीक है, एक बार इसने इसको टच कर दिया यहाँ पे, जो कि तकरीबन 253.81 के लगभग है, तो जिसको ये टच करके आ चुका है, तो अभी भी अगर आप इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो उसमें कोशिश कर सकते हैं। वही बात करेंगे इसकी ऑप्शन चेन की, अब देखिएगा ऑप्शन चेन को देखें तो हम 240 और 250 के बीच में एट द मनी यहाँ पर है। वही देखिएगा तो आपको 240 के लेवल पर ये देखिएगा 273,000 के लगभग आपको यहाँ पर मिलेगी शॉर्ट कवरिंग। वही देखिएगा तकरीबन शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिलती है 200 तक,
देखिए शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक कॉल की, और देखिए पूरी अनवाइंडिंग भी हो रही है कॉल की ऊपर 190 पर। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो कॉल की जो अनवाइंडिंग चल रही है वो देखिएगा 240 के लेवल से लेके 190 तक हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस वीक हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस वीक हो रहे हैं। वही देखिएगा 250 पर 175,000 की कॉल राइटिंग हुई है, जहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है 65 लाख के लगभग। तो देखिएगा यहाँ 65 लाख का हमारा रेजिस्टेंस है 250 पे, जहाँ पे हमारी देखिएगा थोड़ी सी कॉल राइटिंग भी हुई है। वही उसके नीचे देखे तो 166,250 की देखिएगा यहाँ पर हुई है कॉल की अनवाइंडिंग 260 पर, जो आपको काफी कुछ समझा देती होगी। वही बात करें 280 पर तो 75,250 के लगभग भी आपकी देखिए कॉल की अनवाइंडिंग चल रही है। तो देखिए 260 पर 166,250 की कॉल की अनवाइंडिंग होने का मतलब है कि किस तरीके से हमारे जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे करके जगह जगह से खिसक रहे हैं। और देखिएगा इतने ऊपर लेवल पर अगर इतनी बड़ी अगर देखें कॉल अनवाइंडिंग हुई है 166,000 की, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ लीजिए कि तेजी जब भी आएगी वो तेजी से ही आएगी। हो सकता है आपके उस दिन हाथ में ये ना आए, तो उसमें पोजीशन बना के बैठना अभी भी बहुत फायदेमंद है, और आप जितना नीचे और जितना डिप में खरीदें उतना बेहतर है। वही देखिएगा 250 की बात करें, अगर देखिए हम पुट में बात करें तो देखिए 240 पर हमारी 96,000 की देखिएगा पुट राइटिंग हुई है, जहां पे 26 लाख का देखिएगा टोटल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। फिर भी अगर हम कंपेयर कर लें तो यही 240 एक ऐसा लेवल है जहां पर अभी भी 46 लैक्स का देखिएगा यहाँ पे टोटल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट, यानी कि रेजिस्टेंस मजबूत है 240 और 250। अब देखिएगा शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे चलती रहेगी, उसी तरीके से देखिएगा जैसे शॉर्ट कवर होते जाएंगे कॉल की अनवाइंडिंग होती जाएगी, उसी तरीके से वो ऊपर तेजी मिलती जाएगी। तो देखिए ये दोनों लेवल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 240 और 250। हल्की सी हमें यहीं पे थकावट गिरावट दिखाई पड़ती रहेगी, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, लेकिन जब भी ये खुलेंगे तो बहुत तेजी से हमें ऊपर जाते हुए हम दिखाई पड़ेंगे। वही बात करते हैं तो देखिएगा 250 के लेवल पर हल्की सी देखिएगा पुट में भी अगर आप नीचे तक देखें तो देखिए हल्की फुल्की आपको भी दिखाई पड़ेगी यहाँ पर पुट की अनवाइंडिंग। तो फिलहाल हमारे लिए जो लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो 240 है, बाकी 250 के नीचे 260 पर देखिएगा 166,000 की आज हमारी कॉल की अनवाइंडिंग हुई है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा 260 के लगभग ही है। तो इस चीज को आप फोकस में बनाए रखिएगा। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।